केरल ट्रेन अग्निकांड के आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ लिया गया है। उसका नाम शाहरुख सैफी है। शाहरुख सैफी शाहीन बाग का रहने वाला है। इस पर आरोप है कि उसने ट्रेन के एक कोच में सहयात्री पर केमिकल छिड़क कर आग लगाई और फरार हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। हीनस क्राइम has been apprehended in Ratnagiri district of Maharashtra. I thank the government of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this, including NIA, who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. आरोपी शाहरुख की उम्र 24 साल है। वो दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र ATS की संयुक्त टीम ने 4-5 अप्रैल की दरमियानी रात रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से शाहरुख सैफी को पकड़ा। वो अपने सिर की चोटों के इलाज के लिए रत्नागिरी सिविल अस्पताल में था, लेकिन इलाज पूरा कराए बिना ही अस्पताल से भाग गया। बाद में वो रेलवे स्टेशन पर मिला। अब केरल पुलिस शाहरुख सैफी के घर शाहीन बाग पहुंची है। अम्मा जी, शाहरुख कब घर से निकला था? 9 बजे, 9:30। कौन सी तारीख को? 31 को। उसके बाद फिर? कोई बात नहीं, हमें पता नहीं कुछ भी। हम तो बस मतलब ये तो पता है कि काम पे गया अपने पापा के साथ। हमें सांझ को पता लगी कि आया नहीं है यहाँ। रात को सोचे हम कहीं गया होगा, रिश्तेदारी में आ जाएगा, शाम को रात को आ जाएगा। वो नहीं आया। सुबह को बाढ़ देखी, जब भी नहीं आया। फिर इन्होंने कंप्लेंट करी, भाई हमारा बच्चा निकल गया, बच्चा है, हम ढूंढे कहाँ। इन्होंने बोल दिया, उन्होंने करी है तलाशी। हमारा बच्चा सूदा कभी नहीं जाता, रिश्तेदारी में नहीं जाता, कोई ऐब नहीं उसमें। गुटखा नहीं खाता, पान नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। तो अम्मा जी, अपने पिताजी के साथ क्या था? अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी। उस दिन नहीं गया। अच्छा, उस दिन अकेला ही गया? अकेला ही गया। इसने बोला कि मेरे साथ चल, तो उसने बोला कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो इससे मेट्रो से जाता इसके बाद, जिस दिन उसका तबीयत ऐसी ही कि मैं बाद में जाऊँगा, तो बाद में जाता मेट्रो से। वही अब हम क्या कह सकें, अगर उनने करा तो उसे सजा मिलाएगी। हम पे तो कुछ है, हम तो गरीब आदमी है। सवेरे को जाते हैं, सांझ को ला कर खाते हैं। अब हम 4-6 दिन थाली रहते हैं, हमारे बच्चे तो हम क्या खाते हैं। हम पर कोई जायदाद नहीं है, हम सरकारी नौकर नहीं हैं, हम 2 पैसा के मजदूर हैं। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं कि जो ट्रेन में आग लगा देता। उसे तो कोई पता ही नहीं है। अगर किसी ने करवाया हो तो कर सकता है, नहीं उसे नहीं है पता। यही पूछा हमने, कहाँ से आया, कैसे गया, कहाँ करके गया है, कागज पत्थर, नाम वाम, अंदर जा कर जहाँ उस होता है, वहाँ सब कुछ छानबीन करके जब गए। जब कुछ हाई नाम पर तो क्या देखते हुए देख के चले गए, देख के चले। खूब तलाशी लेनी है, एक एक कोने की, एक एक कपड़ा की तलाशी ले कर गए। जब हम पर कुछ है ही ना, भूख नंगा है हम। कुछ लेकर भी गए हैं यहाँ से घर का? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस कुछ नहीं लेकर? नहीं, जब हमारे पास कुछ हो ना तो पुलिस लेकर जाती। बताओ तुम, वो कोई सबूत हो तो ले जाती, जब कुछ सबूत ही ना तो क्या ले जाती। आरोपी के पिता ने पुलिस थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वो सेक्टर 31 निठारी विलेज काम पे गया था, दुकान पे काम करने। क्या काम करता है? लकड़ी का काम करता, कारपेंटर। तो आपके पास से जो बोलकर गया, वो ये बोलकर गया कि वो काम पे जा रहा है? जी। अच्छा, तो आपको उसके बारे में कब पता चला कि उसने ऐसा काम किया? कौन सा काम पर है जैसे बता रहे हम? मुझे, हमें कोई पता नहीं है। 31 तारीख के बाद में मैंने फ़ोन किया उसको, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। यहाँ से काम पे के लिए बोल के गया। तो यहाँ पे, यहाँ से कौन सी तारीख, कौन सी? 31 तारीख को, फ्राइडे को गया है। फ्राइडे को 31 तारीख क्या बोल कर गया था, कहाँ गया? सेक्टर 31 निठारी काम पे जा रहा। कितने बजे? 9:15 सुबह। फिर उसके बाद आपकी उससे दोबारा कब बात हुई? दोबारा बात नहीं हुई, फोन बंद जा रहा है उसी दिन से। उसी दिन से? हाँ। आपने कब ट्राई किया, मतलब जब शाम को घर नहीं आया? शाम को जब जब ही तुरंत ट्राई करा, जब पता नहीं चला उसका शाम को। अच्छा। आपने उसके जो गुमशुदगी की भी दर्ज, रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, दो तारीख थाने में कराई। कब कराई थी आपने? शाहीन बाग थाने में, 2 तारीख को। दो तारीख को। हाँ। अच्छा,
उसका कुछ पता है बैकग्राउंड किस तरह का था? वो तो जॉब आप बता रहे काम करता था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, उसमें कोई वो नहीं था कि वो कोई मतलब किसी तरह का कोई रिकॉर्ड तो होता उसका कहीं, या घर से कुछ मिलता, घर से कुछ मिला ही नहीं। आपने रिपोर्ट में क्या लिखवाया था? रिकॉर्ड में गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। उन्होंने यही पूछा था कि वो घर से कब गया, कहाँ के लिए बोला, क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो सब। अब आपको इस बारे में क्या कहना है? जैसा पुलिस आरोप लगा रही है कि अल्लाह के अंदर ट्रेन में जी ट्रेन के अंदर जिस तरह से आगजनी करी गई है, हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर उसने ऐसा किया है तो उसको सजा दी जाए। अगर उसने ऐसा किया है तो, अगर वो उसने जुर्म किया है उसको सजा दी जाए। इस ट्रेन अग्निकांड को केरल के कोझिकोड में रविवार 2 अप्रैल को अल्लुपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में अंजाम दिया गया।